दूसरा कारण हर्निया का रहता है वो कि परसिस्टेंट स्ट्रेनिंग हमें रहती है. स्ट्रेनिंग का मतलब जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है. सो दैट प्रेशर कैन मे बी बिकॉज ऑफ, इट मे बी बिकॉज ऑफ क्रॉनिक कफ. इफ द पेशेंट इज हैविंग क्रॉनिक कफ एंड द कफ हैज नॉट बीन मैनेज्ड, तो उसकी वजह से चेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा और चेस्ट के प्रेशर बढ़ने के साथ ही जो है वो प्रेशर डायफ्राम से होता हुआ वो एब्डोमन का प्रेशर बढ़ेगा और उससे स्ट्रेनिंग से वो हर्निया बाहर आ सकते हैं. या फिर ओल्ड एज में जैसे पेशेंट को बार बार यूरिन करना पड़ता है, यूरिन का स्ट्रेन करता है, या फिर आप मोशन पे स्ट्रेन करते हो, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसके द्वारा भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और उससे हर्निया के चांसेस बढ़ेंगे. या फिर इसमें रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान में वैसे ही जो है एब्डोमन का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कई बार प्रेगनेंसी में भी हर्निया बाहर आ जाते हैं. या फिर प्रेगनेंसी के बाद में जो एब्डोमन की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, इसको रेक्टस मसल्स कहते हैं और रेक्टस शीथ कहते हैं, तो वो वीक हो जाती है और प्रेगनेंसी के 2-3 साल बाद जो है वो मसल्स जो है वो अपार्ट हो जाती हैं, जिसको हम डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं, वो भी एक हर्निया का रूप बन जाता है. या फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ किसी को है, लिवर की वजह से पेट में पानी बन रहा है, ग्रॉस एसाइटिस बन रहा है, लिवर की वजह से भी हो सकता है, किसी कैंसर की वजह से भी हो सकता है, तो जितना पानी अंदर बनता जाएगा वो प्रेशर अंदर बढ़ता जाएगा और अम्बलाइकस के थ्रू जो है वो हर्निया बाहर आ जाएगा. तो ये जो दो मुख्य कारण थे, एक मसल्स के वीक होने की वजह से, दूसरा परसिस्टेंट स्ट्रेनिंग की वजह से, तो ये कारण होते हैं जिसके द्वारा जो हर्निया होता है. अब प्रश्न उठता है कि अगर हर्निया हो जाता है तो उसको हम मैनेज कैसे करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि 4 स्टेज में हर्निया होता है, और अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही अगर उसका हम इलाज करवा लेते हैं तो बड़ा ही इजी सा ऑपरेशन होता है, 1.5-2 घंटे की सर्जरी होती है और आपका हर्निया ठीक हो जाता है. लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तो फिर उसका मैनेजमेंट भी उतना ही लंबा भी हो जाता है, खर्चीला भी हो जाता है, और आपको बाकी सारी चीज़ें पेन इन्फेक्शन भी जो है वो ज़्यादा होता है. किसी भी तरह का हर्निया है उसमें एवोल्यूशन जो हमारा हुआ है कि आज से 30-35 साल पहले जो सर्जरीज करते थे तो उसमें जो ये वीकनेस हुई है इसको पकड़ के इसको टांके लगा दिया, टांके से इसको सी देते थे और पेशेंट को इस तरह से सर्जरी हो जाता था. लेकिन 1991 के बाद में मैश का आगाज हुआ, इस तरह की पॉलीप्रोपाइलिन मैश आती है, तो ये मैश लगा करके उसको ओपन विधि से सर्जरी करना शुरू किया. ये तकरीबन 30-32 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. लेकिन अभी जो है आजकल जो स्टेज मतलब हमारी 3rd जनरेशन उसके बाद आई है, तो आजकल लैप्रोस्कोपिक विधि से हम इसको सर्जरी करते हैं और लैप्रोस्कोपिक विधि में कोई कट नहीं लगता है, छोटे छोटे 3-4 छेद होते हैं जिसको कि अमूमन आप की होल सर्जरी के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं 3 छेद की द्वारा ही सारी सर्जरी कंप्लीट करते हैं. और आजकल जो है हम ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैश जो है, इस तरह की ड्यूअल मैश जिसको हम कहते हैं, इस मैश का इस्तेमाल करते हैं. और यही जो मैश है, अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो यही मैश जो होती है, छोटा सा जो छेद होता है उसी के द्वारा ये मैश अंदर चली जाती है. अमूमन हम इस तरह से इस मैश को डालते हैं, एक पेन की तरह का होता है, तो ये छोटे से होल के द्वारा ही एब्डोमेन में चला जाता है और इसको हम फिर अंदर इसको ओपन करके इसको स्ट्रेंथन कर देते हैं. तो बेसिकली जो वीकनेस ऑफ मसल्स थी उसको हम टिश्यू को जो है हम स्ट्रेंथन करते हैं इस मेश के द्वारा, जिससे कि इसके जो है वो एरिया स्ट्रांग हो जाता है और बाद में उसके हर्निया बनने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो अगर हम लैप्रोस्कोपिक टेक्निक की बात करें, जो कि हम सीके बिड़ला हॉस्पिटल में करते हैं, लेटेस्ट टेक्निक है, वर्ल्ड ओवर कहीं भी जाते हैं आप तो ये लेटेस्ट टेक्निक है, तो इसके द्वारा जो है पेशेंट को पेन बहुत कम होता है, क्योंकि बड़ा कोई चीरा नहीं है, पहले हम बड़ा चीरा करते थे. और दूसरा जो है इसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, आप जल्दी से जल्दी अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो, अपना वर्क प्लेस पे जा सकते हो, अपने सारे काम धंधे जो भी हैं, रूटीन आपका बड़ा ही जल्दी 2-3 दिन में वापस आ जाता है. और ये सर्जरी 1/2 घंटे में कम्प्लीट हो जाती है, सेम डे पेशेंट चलना शुरू कर देता है, अगले दिन पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं. तो अगर हम कंपेयर करते हैं कि पिछली जो ओपन सर्जरी करते थे उसमें लंबा चीरा लगता था, पेशेंट को बोलते थे आपने वजन नहीं उठाना है, तकरीबन 4-5 हफ्ते 6 हफ्ते तक वजन नहीं उठाओगे, पीड़ा भी उसको रहती, पेशेंट को पेन भी रहता था लंबे टाइम तक, तो वो सारी चीज़ें कट शॉर्ट होके जो ये सर्जरी नई टेक्निक है, ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका और पेशेंट के लिए बड़ी फेवरेबल रहती है, तो जिस टेक्निक के द्वारा आजकल हम सर्जरी करते हैं. तो अंत में मेरा यही आप लोग सब लोग को एडवाइस रहेगा कि अगर इस तरह का कोई भी स्वेलिंग आप फील कर रहे हैं, एब्डोमेन में है या कहीं पे है, तो आप अपने सर्जन के पास जाइए, उनसे परामर्श करिए, एडवाइस करिए, कंसल्टेशन कीजिए उनसे, और अगर पॉसिबल है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराइए, क्योंकि जो नई टेक्निक है बड़ी ही फेवरेबल है और आप जल्दी से जल्दी इसको अपना प्रॉपर हर्निया का इलाज
कर सकते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्निया जो है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्ट्रेनिंग की वजह से हर्निया होता है तो उसमें एक ओबेसिटी भी एक जो है, मोटापा भी एक अपना रोल अदा करता है। तो मोटापे की वजह से भी हर्निया, क्योंकि हम जब मोटापे की सर्जरी करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के हर्निया, तो 60-70% जो ओबीज पेशेंट आते हैं उन सबके हर्निया होते हैं। तो वो क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है और अंदर के प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ही जो हर्निया जो उनमें बनने शुरू हो जाते हैं। तो मोटापा कम करें, हेल्दी खाएं, अगर BMI बहुत ज़्यादा है तो मोटापे का भी इलाज करें, क्योंकि एक डिजीज़ है ये। मोटापा बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनफर्टिलिटी है, बैक पेन है, घुटनों का दर्द है, तो उसका भी इलाज कराएं। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छा जिएं। थैंक यू सो मच।